आप देख रहे हैं एसटीवी लद्दाख, आवाज घर घर की। ट्रैक्टर अदू से खर्चा था सेंगा चाह धुन गमार हो सना कोई खचर ना बुंगु ना धुन गमा देगा लुजिया सिर धुन जब पतिक सो है धुन गमा दरास पर दबरपानी दुजो दसा दी सा या टोला दें दा टोला नीस आ रुपरपानी कौन तो खेर से दसा टटमो ले खेर देंगे या कौन जिमारे जिमारे को रखो देगा खेर जुया दसा दी कंगा ची ना बीडीसी वेद ना कौंसिलर में ना ना मदार में मैं ना कौन जिमारी को रखो देगा यो मौसम नहीं चुपान दिन या बो मैं ना चुप हो गया रे अच्छा पब्लिक अच्छा पब्लिक को चुप मारा मैंने मीन सिंसर मचे माती जगह डिफेंस बस क्यों सिं बेचारी अच्छा पता मैं दा सुई इंच पता मालिक बीस रुपए ना अच्छा खेरे उस आदमी के पास देता उस घर में दे देता हो सही कौन नजर है हक वाली न्यूज़ या पर आज क्या रात हुई एडमिनिस्ट्रेशन इधर नू मार गवर्नमेंट सरकार इधर नू भी था बोला हरियाली बोस कहता ना तो मैं तासमें हरियाली बात रहा सिंधु बेशक अच्छा जी का हरियाली बेदूत इधर ना वैसे अजी जान बुद्धि का शोध दिया नुकसान हो गया सजा दे 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 यार ना हरियाली बात सच है कोई खचार नरता ना दसा दिका दूध दूध तो बलां दूध आंख कटे करी दसे का बलां दो मैंने आ रहा दिका सोच से मदद सोच से बलां माने मेहरबानी दो यार मैंने दो यार मीडिया का सफले बंदा जी सी 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 कामा सफले दिखता मेहरबानी इरशाद दे घोड़ा नहीं लगने घोड़ा तो हम लेके जाने हमारा खून भी जाने दोसा जना से कंटे करी दी ना थोड़ा बना लग दो बना जी खाची अच्छा माता दो दिन जाते गाड़ी से गाड़ी ट्रैफिक में छत मन तुम्हें नमस्कार
गाड़ी फूटे मान मत से पूरा सारा खेत जो है वो आबाद है। चलो जिस टाइम आबादी में होता है उस टाइम चलो हम इतना भी हम क्योंकि बेचारे घोड़ों का कोई कसूर नहीं है। इन मालिकों के ऊपर कम से कम कानूनी कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि ये घोड़े तो ये जानवर है, इनको जहां भी छोड़ देगा वहां चले जाएगा। अब हमारा यही गुजारिश है इनकी जितने भी घोड़े हैं उनके मालिक को इधर एडमिनिस्ट्रेशन बुला के उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो भी कानूनी कार्रवाई होता है वो बराबर होना चाहिए। अगर अगर ये न होने की सूरत में हम तमाम पूरा पब्लिक आके वहां से घोड़े सब जमा करके हम खुद संभालेंगे। संभालना हमें भी आता है लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके लिए भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमने कई बार इनके पास लाया हूँ और आज भी लाया हूँ और इनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होगा वो होना चाहिए। और अगर ना होने की सूरत में तीसरे इकदाम अगर लेना हुआ तो ये हमारा दूसरा इकदाम है। अगर तीसरा इकदाम लेना हुआ तो हम खुद जिम्मेदार नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए जिम्मेदार है। क्या मसला है जी? दरअसल से हम फरियाद कर रहे हैं कि पश्चिम वाले कमांड एरिया में ये घोड़े खच्चर पोनीस वगैरह इधर छोड़ते हैं, साल भर में भी, सर्दियों के महीने में भी और समर में भी छोड़ते हैं। पता नहीं इसका क्या वजह है। बाकी हमारा इतने प्रॉपर्टीज नुकसान कर रहे हैं कि पॉपुलर ट्रीज है, फ्रूट ट्रीज है, बाकी कमांड एरिया में जो हमने खेती लगाया है उसमें नुकसान कर देते हैं ये घोड़े। पता नहीं इसका क्या वजूहत है,
हमें खुद मालूम नहीं है कि हम 10 से वो हार लगा रहे हैं कि एप्लीकेशन क्या एप्लीकेशन हम छोड़ रहे हैं, बाकी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ नोटिस ही निकलता है, इसके बाद ये भूल जाते हैं। तो गोरू के मालिकान का कोई पता नहीं है, इनका कोई मालूम नहीं होता है ये कहाँ से लाता है, शायद तकरीबन ये ऑलमोस्ट ये द्रास साइड से लाता है, पता नहीं इसका कोई मालूम नहीं होता है इनका। आप लोगों ने बात किया तकरीबन एडमिनिस्ट्रेशन से, हम डीसी साहब से भी मिले हैं, डीसी साहब से भी मिले हैं, पहले बसीर उल हक से भी मिले हैं, इससे पहले हसन खान डीसी रहा करते थे, उससे भी हम एप्लीकेशन डाल के हसन खान साहब ने उस वक्त एक मुजलिका ये पुलिस वाले के साथ एक किया था, उसके बाद भी ये कंटिन्यू ये मूव्स गोरेस वगैरह इधर फेंक के छोड़ के चले जाते हैं। थैंक यू। गोरों और खचरों की बड़ी तादाद को आज पश्चिम वासियों ने यहाँ पे लाया है, पश्चिम से हांकते हुए जमा किया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या फर्दर एक्शन होंगे? इनका कहना है कि इन गोरों और खचरों की वजह से गाँव में काफ़ी तबाही मचा दी है, दरख्तों को फ्रूट मेवा दरख्तों को फसलों को नुकसान पहुँचा है, तो क्या इकदाम है? आप लोगों ने पहले देखा होगा जैसे मीडिया में आया है, हमने एक नोटिस नोटिफाई किया था जिसमें हमने कहा था कि जितने भी स्ट्रे जो हॉसेस है या डंकीज है पोनीज है जो ऐसे ही आवारा छोड़ा है, तो हमने एक नोटिस दिया था कि विद इन 3 डेज अगर कोई इसको अपना ले जाए तो ठीक, नहीं तो हम इसको ओपन ऑक्शन करेंगे। तो आज तीसरा दिन है, आज शाम को हमने एनिमल चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर को हमने ये हिदायत दिया था कि आप लोगों से मिलके पंचायत जैसे पश्चिम के लोग हैं उनसे मिलके जमा करें और मंडे को हम ऑक्शन करने वाले थे, लेकिन अभी कुछ देर पहले मुझे काउंसिलर साहब का फ़ोन आया पश्चिम के कि हमारे वहाँ पे लोगों ने घोड़ों को जमा किया है और इनको हम उधर ला रहे हैं। तो मैंने इनको कहा था काउंसिलर साहब को कि आप यहाँ पर ना लाए, बल्कि हमने चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर को बताया है कि वहाँ पे जगह बनाएं, इन घोड़ों को वहाँ पे रखें जब तक इनका ऑक्शन हो जाता है, तो ये किया था, लेकिन बदकिस्मती से लोगों ने यहाँ पे ले आया। अब चूंकि हमने ऑलरेडी नोटिफाई किया है, नोटिस दिया है कि हम उसी नोटिस के हिसाब से हम इनको बिल्कुल ऑक्शन कर रहे हैं, मंडे तक इंशाल्लाह हम ऑक्शन करेंगे, क्योंकि कुछ फिर भी इसको लोगों को पता चलना चाहिए कि कब नोटिफाई ये ऑक्शन हो रहे हैं, तो हम 1-2 दिन या मंडे तक इंशाल्लाह हम इसको ऑक्शन करेंगे। ये पहले भी सर्दियों में मैंने एक बार नोटिस दिया था, उस वक्त पूरा फिर लोग ले गए थे, शायद मालिक आके ले गए, कोई ऐसा हमें शिकायत नहीं आया, लेकिन परसों जब जनरल काउंसिल मीटिंग हुआ तो वहाँ पे काउंसिलर साहब ने बड़े ज़ोरदार से वहाँ पे कहा कि हमें फिर से ये नुकसान कर रहे हैं घोड़े वगैरह जो स्ट्रे है, तो वहाँ पे ये हमें डिसीजन हुआ था कि हम इसको फिर से एक बार नोटिस दें और अगर कोई लेने वाला नहीं आता है तो इसको हम ऑक्शन करेंगे। तो उसी जनरल काउंसिल मीटिंग की हिदायत के मुताबिक ही हम ये कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम मंडे तक इसको ऑक्शन करें। आपने मंडे तक उनको डेट दिया है? नहीं, अभी क्योंकि नोटिफाई हमने नोटिस दिया है तो नोटिस में ये लिखा है विद इन 3 डेज हम करेंगे, तो 3 दिन होने के बाद आज शाम को हमने ऑलरेडी, अगर लोग ना भी लाते यहाँ पे तो हमने आज शाम को तो इनको जमा करके रखना था और मंडे को हमने, कल तो संडे है, मंडे को हम इंशाल्लाह इसको ऑक्शन करेंगे जितने भी ये घोड़े हैं। ये मैं आपके जरिए से ये भी कहना चाहता हूँ क्योंकि इनके जरिए से लोग कमाते हैं बॉर्डर्स पे या कहीं भी कोई जरिए से कमाते हैं गर्मी में, फिर जब इनको खिलाने का टाइम आता है तो मालिक छोड़ देते हैं इनको ऐसे ही, और ये बहुत बेदर्दी है ना, ये भी तो जानदार है, लोगों को चाहिए कि इनका बिल्कुल ध्यान रखें, जब कमाते हैं इनसे फिर इनको फीड करने का टाइम आता है तो अच्छी तरह से फीड करें, ये इंसानियत ही नहीं हुआ ना, टाइम कमाने का टाइम आए ठीक ठाक कमाएं, इनको खिलाने का टाइम आए तो इनको बेदर्दी से छोड़ दे, ऐसा ना करें। तो मेरा आपके इस के जरिए से लोगों से भी गुजारिश है कि आइंदा ऐसा ना करें, कल तो हम कोई अगर लेने वाला नहीं था, अगर लेने वाला आएगा भी तो मालिक कोई अगर आता है तो हम बाज़ाब्ता उससे अंडरटेकिंग लेंगे और उसको बाज़ाब्ता जुर्माना लगाएंगे कि आपने ये ऐसे कैसे छोड़ा, और तब तक हम उसको हवाला नहीं करेंगे, बाज़ाब्ता उसको जुर्माना भी देना होगा और अंडरटेकिंग भी देना होगा जो मालिक आएगा इसको लेने, अगर कोई लेने नहीं आता है तो हम इसको ऑक्शन कर देंगे ओपन में,
जो भी लेने वाला हो हम इसको ओपन ऑक्शन कर लें। एडीसी सर, इससे पहले भी एक नोटिस निकला था जिसमें जितने भी घोड़े हैं कोलकाता में सबको अपने वापस जहाँ पे जहाँ जहाँ से लाए हैं वहीं जगह पे छोड़ना है, इस तरह के। और नोटिस के साथ मैंने ये भी हिदायत दिया था कि एसडीएम्स को, इवन डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर को, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को पब्लिसिटी करें, रिलीजियस प्लेसेस पे आप इसको अनाउंस करें जिस तरह से कर रहे हैं। और मैंने खुद देखा कि लोग टाटा मोबाइल्स में अपने घोड़ों को वापस ले रहे हैं, तब हमें कोई शिकायत नहीं आया। अगर हमें उस वक्त शिकायत आता, अभी भी है, तो हम उस वक्त करते, लेकिन जब ये शिकायत आया, ये जेन्युइन शिकायत है, लोगों का नुकसान हो रहा है, पेड़ पौधे खराब कर रहे हैं, खेत खराब कर रहे हैं, तो हमने इमीडिएटली एक्शन किया। अभी आज तीसरा दिन ख़त्म हो जाने पे शाम को हमने अपनी तरफ से हमने जमा करना था, एनिमल हस्बेंड्री को हमने बताया था कि ये जमा करें आज, और परसों मंडे को हम इसको ऑक्शन करेंगे। तो उस वक़्त भी अगर हमें उस वक़्त कोई लेने वाला नहीं आया होता तो हम ऑक्शन करते उस वक़्त भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज आप लोगों ने घोड़ा यहाँ लाया है लोगों ने, तो इनको मैंने कहा था काउंसलर साहब को यहाँ पे ना लाए, बल्कि एनिमल हस्बेंड्री के शेड में ले जाए, वहाँ पे हमने वहाँ पे तैयार करके रखा है, इवन घास तक भी वहाँ पे अरेंज करके रखा है इन घोड़ों के लिए, क्योंकि जब तक ये ऑक्शन नहीं होता है, कोई मालिक ले नहीं जाता है, इनको कुछ खिलाना पिलाना भी पड़ेगा ना, बंद करके ऐसे नहीं रख सकते हैं। तो इनका अरेंजमेंट किया है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने, और जब तक ऑक्शन हो जाता है हम वहाँ पे रखेंगे, उसके बाद हम ऑक्शन कर देंगे। पिछले 10 साल से ये इश्यू होते आ रहे हैं सर, ये एक दो साल की बात नहीं है सर, हम देखते आ रहे हैं कि कम से कम 10 साल से ये घोड़े सीजन में काम करते तो सर्दियों में ला के ऊपर कोलकाता पे छोड़ देते सर। आगे के लिए इन मालिकान को एडमिशन की तरफ से क्या एक्शन रहेगा? नहीं, मैंने अभी आपको कहा ना, जब ये हम घोड़े हम कोई अगर क्लेम करने आता है इन घोड़ों को, तो हम उनसे अंडरटेकिंग लेंगे कि आइंदा ये ऐसा नहीं करेंगे, और बाद हफ्ते इनको जुर्माना देना होगा, क्योंकि ये भी तो जानदार है ना। जानदार जब आप इसको इसे कमाते हो, फिर इसको खिलाना भी है ना, खिलाने का टाइम आ जाए आप उनको छोड़ दे, कमाने का टाइम आए आप कमाए, तो ये इंसानियत नहीं है। तो हम बाज़ब्ता इनसे अंडरटेकिंग लेंगे और जुर्माना देंगे, तभी हम इनको देंगे, अदरवाइज हम ऑक्शन में दे देंगे, जो भी खरीदने आते हैं हम दे देंगे। कमेटी हमने ऑलरेडी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है सर। जिस तरह गाँव वालों का कहना है कि इनमें काफ़ी इनको नुकसान आया है, तो कंपनसेशन के लिए भी दिया गया है, तो अभी कंपनसेशन का प्रोसेस कहाँ पर पहुँचा? नहीं, कंपनसेशन का इसमें कंपनसेशन का कोई प्रोविजन नहीं होता है। जैसे आपने देखा, आप हर जगह देखते हैं खेतों में, हमारे खेतों में, जैसे ये तो चलो हम स्ट्रे डॉग ये कहेंगे, एनिमल्स घोड़े वगैरह, हमारे खेतों में जो हमारा फसल ख़राब कर देता है हमारे लोग, क्या हम फिर इनको कंपनसेशन देते हैं? ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि लोगों को इसका कंपनसेशन देंगे, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कोई अगर ऐसा प्रोविजन होता है हम देखेंगे, लेकिन ऐसा मेरे नज़र में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि लोगों को इसका कंपनसेशन देंगे, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे आइंदा ऐसा सिचुएशन ना रहे।